Take a moment right here. Good morning. Say good morning. Good morning. तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? ओके, तो मैं बाकी की चीज़ें आपको रास्ते में बताती हूँ. अनिका ने काफ़ी बता दिया है, तो पहले इसको नानी के घर ड्रॉप करते हैं. Feeling like a sub gear, driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere, I swear. Like an outlaw. So finally, मैं पहुंच चुकी हूँ. बहुत ट्रैफिक था, मुझे बिल्कुल मत पूछे कितना ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक था. एंड एक्चुअली ये जो मैंने पहना ये ऑफ शोल्डर टॉप है, पर आप देख सकते हो किस तरह से ऊपर आ गया है, कोई एंगल से ऑफ शोल्डर टॉप नहीं लग रहा है. तो मैं जा रही हूँ कहीं पर, मैं आपसे बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ. यस, देखते क्या होता है. आई एम सो टायर्ड एक्चुअली, इतना ज़्यादा कार में बैठ के फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ. बहुत अच्छा सा रूम है, पर आपको पता है मैं कहाँ पर पहुंच चुकी हूँ, किससे मिलने के लिए. मैं इतना देर से सस्पेंस बना रही हूँ. रियली आपको देखना है? रियली 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 ओके, शी इज हियर फाइनली. सॉरी, मैं मेरे हाथ में एप्पल है, आई मीटिंग, इसलिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ी है. ओके, तो अभी हम लोग एक कोलाब वीडियो आप सभी के लिए शूट करेंगे. या एक कोलाब वीडियो, दो नहीं, क्योंकि ये जो मैडम है ना, ये मेरे लिए वड़ा पाव नहीं रहा. जस्ट इमेजिन, आई लव मुंबई का वड़ा पाव, आई क्रेव फॉर इट, यू नो. आई एम एक्चुअली हंग्री सिंस मॉर्निंग. डोंट वरी, मैं वहां पर, आप स्टेज पर रहोगे ना, मैं यहां से वड़ा पाव फेंक के मारूंगी नीचे से. प्राची, आई एम नॉट गोइंग ऑन स्टेज, आई एम नॉट गोइंग ऑन स्टेज. एंड नहीं नहीं, जाते लास्ट में, जाते रेड कार्पेट. रियली? हाँ, लास्ट में ना, जितने भी रेड कार्पेट, कुछ पता भी नहीं क्या 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 होने वाला है. आई विल गाइड यू, डोंट वरी, मैं वहां से फेंक के मारूंगी. एंड आप कैच करना, एंड ऐसे वो होएगा. मुझे अभी इतनी टेंशन हो रही है, I'm so nervous, so nervous. That's totally obvious. ये दो महीने से चल रहा है मेरा टेंशन. एंड अभी पता नहीं, अब मैं भूखी भी हूँ तो और टेंशन हो गया है. थैंक्स टू हर, बड़ा पाव मिला मुझे. सॉरी, डोंट वरी. अच्छा, बाय द वे, आई वांट टू शो यू, एक बहुत ही अच्छा बैग है जिसको मैं अभी चोरी करने वाली हूँ. बट मैंने ये सबसे पहले ही देख लिया. सबसे पहले देख लिया है? मैंने नहीं देखा. नहीं. ये बैग, गाइज, ये बैग आज से मेरा है. ओके, या वड़ा पाव के बदला बैग दे रही हूँ मैं. अब अगर ये ठीक है, चलेगा, गुड प्रॉफिट. तो चलो मैं आपको मिलती थोड़े देर में. सबसे पहले वीडियो बना लूँ, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा. ओके, बाय बाय, से बाय बाय. सो गाइस, अभी अभी मैंने 3 मिनट मेकअप चैलेंज किया. एंड कैन यू इमेजिन, मैंने 2 मिनट में ये वाला मेकअप लुक किया. नो चीटर, आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा. एंड मैडम अभी थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा रही है, जस्ट गेटिंग रेडी फॉर रेड कार्पेट एंड ऑल. तो कोई देख के बोलेगा रेड कार्पेट के लिए ऐसे रेडी हो रहे हैं. मतलब मैं सोच रही थी यार, रेड कार्पेट, यू नो, क्या एकदम, यू नो, कितना स्टाइलिश चीज. अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहन के नेल पॉलिश लगा. पता है आपको, लोग सैलून में बैठ के ऐसे ऐसे मैनीक्योर करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे नेल आर्ट करवा रहे हैं. आप, मैं एक्चुअली कल गई थी मैनीक्योर कराने, उन्होंने इतना 300 रुपये लिए, इतना गंदा मैनीक्योर, इतना गंदा मैनीक्योर. उसके बाद उन्होंने मुझे 15 रुपये का डिस्काउंट दिया. 15 रुपये का डिस्काउंट. ओके, मैंने स्नैपचैट पे इतने सारे कल पोस्ट किए ना, मुझे तो गुस्सा आ रहा था. एंड मैंने ना रिक्शा वाले का नेल आर्ट देखा था, क्या किया है, मतलब बहुत अच्छा नेल आर्ट किया था. तो मतलब मेरी जिंदगी में टाइम ही नहीं बचा, मतलब हस्बैंड और पपी के बीच में. बट देन यू आर अ मदर, यू प्रोबेबली हैव अ लॉट ऑफ. बस इतना टाइम है, इतना टाइम है कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना टाइम कैसे है. मैं भी सोचती हूं, टाइम है मेरे पास, टाइम मैं भी यही पूछ रही हूं ना यार. बट निकालना पड़ता है. जैसे मुझे नेल पॉलिश, पता मैंने कैसे लगाई थी, जब मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा था ना, तब मैंने नेल पॉलिश लगाई. मेरा भी आधे टाइम ना ऐसे चलता है, मतलब मेरी आधी जिंदगी 4 काम 2 हाथों से करते हुए निकलती है. मतलब मैं भगवान से बहुत बोलती हूँ, क्या मेरे को 24 घंटे की जगह 48 आवर्स दिए होते, या फिर 4 हाथ दे दिए होते, तो मैं कितना अच्छा काम कर पाती. या 4 नौकर, वो भी चल जाते जो टाइम पे आए और छुट्टी ना ले. अरे मेरे पास 2-2 नौकर है, कोई काम के नहीं होते लिटरली.
मतलब आज आई नहीं है वो, और जिस दिन सबसे ज्यादा शर्मत होगी ना उस दिन तो छुट्टी मारेंगे वो भी विदाउट इन्फॉर्मिंग, एंड अब बस बैठे हो कि भाई आ जाओ प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ, नहीं आएंगे उस दिन तो डेफिनेटली। कल आपके आई थी? हाँ कल आ गई थी, कल मैंने उसको एकदम वार्निंग दे दिया था कि भाई आना है चुपचाप आ जाओ नहीं तो बस छोड़ दो काम। मेरी तो आज नहीं आई थी तो उसकी बहन आ गई थी, तो ऑब्वियसली कोई और आता है उसकी जगह पर तो कितना दिमाग भी काम तो होता हो गया ना। बट स्टिल नहीं, मैं तो अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ मम्मा के घर पर, तो मेरे ये लिए ये था कि ठीक है मुझे काम नहीं खत्म करना है आज बट अभी जाने के बाद करना है, और अभी बज रहे 12:30 गाइस, तो चलिए पहले हम लोग प्राची को तैयार होने देते नहीं तो बेचारी यहीं पे व्लॉग करते रह जाएगी। बाय। सो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ इस विंडो से क्या आ रहा है। ओके सो दिस इज़ द व्यू एंड वन सेकेंड, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दो। कैन यू सी सी वन सेकेंड, इतना ब्राइटनेस है कि ओह इट्स टू ब्राइट, क्योंकि दोपहर के 12:30 बज रहे तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, नहीं देख सकते नो प्रॉब्लम जस्ट लीव इट। तो ये है मेरा मिस्टर कैमरा, इसको पैक करने का टाइम आ गया तो मैं इसे पहले पैक कर दूँ, सो कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं जस्ट प्राची को हेल्प कर रही हूँ, प्राची अपने हेयर बैंड्स भूल गई है, वो गई है हेयर स्टाइल के लिए, तो मैं जा रही हूँ उसके हेयर बैंड्स लेके आती हूँ उसको एंड उसकी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करते बहुत टफ है। सो गाइज राइट नाउ आई एम विथ श्रुति अर्जुन आनंद जो कि मेकअप कर रही है एंड गाइस वी आर सीइंग हर डूइंग दिस मेकअप लाइव, हाउ लकी आर वी, इट्स नॉट लाइव, यू हैव ओनली सीन दिस ऑन वीडियोस, वी आर सीइंग इट लाइव। ओके ओके एंड दैट्स नॉट हर आउटफिट ऑफ टुडे। यस आई एम गोना चेंज। सो हाउ इज यू फीलिंग टुडे? आई एम वेरी नर्वस, डोंट टॉक अबाउट दैट, डोंट टॉक अबाउट द रेड कार्पेट। बाय बाय, हेलो टू माय ब्लॉग। सो फाइनली प्राची तैयार हो गई है एंड बस वो मोबाइल चेक कर रही है एंड मैं जा रही हूँ अपने घर अभी एंड प्राची क्या नहीं मिल रहा सॉरी तो मैं तो जा रही हूँ और प्राची जा रही है अपने मीट एंड ग्रीट एंड ऑल पे Finally. And अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, so seriously I don't even नहीं, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए बोल रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करती हूँ, अगर आप मेरा कभी ब्लॉग देखोगे तो पता चलेगा। But you know, इनको मैंने बोला था मैंने वड़ा पाव लाने के लिए और ये नहीं रही, एंड मैं ये सब जगह सारे सोशल मीडिया में जहाँ हो रहा है मैं सब जगह बता रही हूँ। जस्ट फॉर वन वड़ा पाव सर, जस्ट फॉर वन वड़ा पाव मेरा नाम बदनाम हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आप वहाँ पर स्टेज पे खड़े हो ना, आई विल थ्रो प्राची वड़ा पाव एंड आई विल थ्रो टमाटर या सड़े हुए अंडे फेंक रहे हैं या वड़ा पाव फेंक रहे हैं, क्या हो रहा है? नहीं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाई शी इज थ्रोइंग वड़ा पाव, मतलब और कुछ क्यों नहीं फेंक रही है। तो या गाइस ओके, इंस्टाग्राम में कमेंट मिला है लव यू किरण, क्या I just love her Prachi, she's the best and you too Kiran. Oh how sweet. Really? This comment is from kaun hai? Oh Fiona, ha Fiona who I recognize very well. Fiona da Fiona, please you know I'm talking about you. Please try to understand her, she's very nervous. I'm nervous. Yeah. I'm seriously nervous. Okay, so don't be panic Prachi, chalo nikalte hain and her shoes dress सो राइट नाउ मैं बस मॉल के सामने से जा रही हूँ और ये हाई स्ट्रीट फिनोनिक्स मॉल है, मैंने अपनी कैब बुक कर ली है तो जस्ट वहीं पे जा रही हूँ। मेरा बड़ा मन था कि मैं इस मॉल में एक बार चक्कर मारूँ बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मुझे घर जाकर वापस जाना है, आना है वापस फैन फेस्ट के लिए, तो आई एम क्वाइट बिजी टुडे तो इसलिए भाग रही हूँ और अभी ऑलरेडी 1:45 हो गया है। बजे मैं पहुंची हूँ मम्मी के घर पर, अनिका को लेने गई थी बट वो तैयारी नहीं हुई मेरे साथ आने के लिए, तो मैंने वहाँ पर खाना खाया और आ गई
और अभी बज रहे 4:30 एंड शाम को 7 बजे फैन फेस्ट का इवेंट है, पर मुझे नहीं पता मैं जा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे घर से जाने में ही 1.5 घंटा लगता है, आने में 1.5 घंटा, क्योंकि सुबह भी मुझे 1.5 घंटा से ज़्यादा लग गया था और आने में भी मैं 2 बजे बैठी थी और मुझे लग गया लगभग 3:30 बजे पहुँची थी, 1.5 घंटा ही लगा। तो यार मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं जा रही हूँ कि नहीं, तो एक बार मैं कंफर्म करती हूँ। एंड या अभी ऑफिस भी जाऊँगी क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है, एंड आज फ्राइडे है तो फ्राइडे का ऑब्वियसली बहुत सारा काम पेंडिंग है मेरा, तो देखती हूँ। तो बहुत सोचने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं ऑफिस ही चली जाऊँ, क्योंकि जाने आने में बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो अभी बज रहे 5:00 और फैन फेस्ट ऑलरेडी चालू हो गया है, फटाक से ऑफिस भागती हूँ और फिर देखती हूँ। तो आओ पूजा, चाबी लेके आओ, आओ। हाँ, तीन वाली जिसमें एक डॉल लगा है। अच्छा, दो, चलो लेट हो रहा है अपने को। ठीक है गाइस, मैं मिलती हूँ आपको। अगर आपको झगड़े की आवाज आ रही है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि कोई बहुत जोरों से मेरे ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग में झगड़ा कर रहा है, तो जस्ट इग्नोर इट एंड रिक्शा को भी जाने दो। कैसे कैसे रिक्शा लोग रखते हैं पता नहीं, जो इतना आवाज़ करता है। तो अभी बंद हो रहा है ऑफिस, माय मेड हेल्पिंग मी कि ऑफिस बंद कर दे, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रांग बाय द वे। अभी देखना कैसे आज क्या हो गया तुमको, बंद करो। शी इज़ अ सुपर गर्ल, यू डोंट नो अबाउट हर, इतनी सुपर गर्ल है, आज पता नहीं क्यों इतना स्लोली बंद की, बट अमेजिंग, शी हैज़ अमेजिंग पावर, आई डोंट नो कैसे, बट यस। तो चलिए घर पर जाती हूँ और आपसे बात करती हूँ। सो हेलो गाइज, 10:10, मेरा खाना अभी बन रहा है एंड आप सिटी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं, और मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि अनिका आ जाए, क्योंकि अनिका गई है नानी के घर, और जब दोपहर में मैं उसे लाने गई थी शी वॉज़ नॉट रेडी टू कम विथ मी, तो मे बी अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगी विथ हर मामा एंड नानी। एंड या मैं आने के बाद ऑफिस से सो गई थी, एंड मैंने यूट्यूब फैन फेस्ट देखा, थोड़ा सा ही बचा है देखने का, तो वो अभी थोड़ी देर में देखूंगी, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम था तो वो ऑब्वियसली मुझे मिल जाएगा देखने के लिए। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ एक्चुअली, तो अनिका आने के बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, तो चलिए अनिका की वेट करते हैं। आई एम हेयर टू वॉच मूवी, आज है सैटरडे, ब्यूटी एंड द बेस्ट वॉच, तो इंटरवल हुआ है, उसके बाद मैं मिलती हूँ। मेरा ये व्लॉग जो है कल का ख़त्म होता है, छुक छुक ट्रेन, ओके। तो मेरा ये व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है, आई रियली होप कि आपको एक छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर आप पसंद आया तो प्लीज़ हिट ए लाइक बटन, और अगर आप मुझे पहली बार ही देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो यस, एंड इमेजी का व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, सो उसके लिए भी आप रेडी रहे। So till then, bye. Yes, that's a chuk chuk train. Chuk chuk train saying bye bye. Subscribe. Bye bye.